हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टिंग बाबा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक नए लैपटॉप या विंडोज़ नए सिस्टम में किस तरीका से ड्राइव का पार्टीशन करते हैं। जब हम लोग नया लैपटॉप या नया कंप्यूटर या पीसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ड्राइव होता है। जो भी हमारा 1 TB या 2 TB का जो भी ड्राइव होता है, एक में होता है और उसमें पूरा में विंडोज़ इंस्टॉल होता है। तो हम लोग इसे सेपरेट इसलिए करते हैं ताकि हमारा विंडोज़ करप्ट ना हो और अलग अलग दोनों पार्टीशन में चलता रहे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और फटाफट से पार्टीशन कर लेते हैं। ये हम लोगों को डेस्कटॉप पे आना होगा। डेस्कटॉप पर जैसे कि आप आकर के देख सकते हैं, यहाँ पे दिस पीसी है आपका, तो इस पर आपको राइट क्लिक करना होगा लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पे जाना होगा। ठीक है, तो मैनेज पे जाते हैं। मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन एक मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट का, तो डिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। तो देखिए, ये डिस्क मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम खुल चुका है। इसे मैं यहाँ से आपको बड़ा करके दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का आपके पास। सबसे पहले मेरे पास ये डिस्क 0 है, जो कि आप देख सकते हैं 1 TB का है और इसमें 930.27 GB फ्री है 1 TB में। तो इसे मैं दो डिवाइस में पार्टीशन करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँगा। ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये मेरा मात्र 59.46 GB का है, जो कि एक्सटर्नल लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस पे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से श्रिंक वैल्यूम करेंगे। ठीक है, उसमें से जो पूरा सी ड्राइव है उसमें से हम श्रिंक करेंगे। तो श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन आएगा। देखिए, श्रिंक करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB। आपका जो 900 GB का था, जो MB में यहाँ पर पहले से इतना है वो दिखा रहा है। उसके बाद साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB, मतलब इतना जो MB है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा इतना भाग बचा हुआ है, इतना को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन हमको इतना नहीं करना है, हमको आधा को करना है। तो 500, मुझे 500 GB का बनाना है। तो 500 GB बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 GB में 1024 MB होता है, तो 500 GB में कितना हुआ, 500 × यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 500 × यहाँ पे जो भी लेगा MB मिलेगा, इसलिए को हम लोग को ये वाला प्रोसेस करना है। 1024 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 GB में 1024 MB होता है। देखिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,12,000 MB हम लोगों को इसमें पुट इनपुट करना होगा। तो चलिए करते हैं और डिवाइस को बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से श्रिंक कर देते हैं। दोस्तों, तो ये मैं श्रिंक कर दिया हूँ और यहाँ पे श्रिंक हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहले हमारा एक ही था, यहाँ पे अब दो दिखा रहा है, एक हमारा सी के लिए हो गया स्पेशल और एक फाइल वगैरह रखने के लिए। तो अभी ये अनलोकेटेड दिखा रहा है। अभी भी मैं अगर माय कंप्यूटर में आपको ले जा कर के दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा एक ही है, ये तो हमारा एक्सटर्नल है। चलिए इसे हम हटा ही लेते हैं। चलिए, इसे मैंने हटा लिया। तो देखिए कि यहाँ पे अभी एक ही है, लेकिन इसका जो ये था वो कम हो चुका है, स्पेस एक है, तो उसको हम लोग को ये करना है, मैनेजमेंट अभी करना है। तो इस पे जाना है, अभी अनलोकेटेड है, ये है लेकिन कहीं पे व्यवस्थित नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, न्यू वैल्यूम, ठीक है ना, इसका न्यू वैल्यूम बनाना होगा। तो सी मेरा पहले से, तो इसको हम लोग यहाँ से कुछ प्रोसेस करते हैं। ये इस टाइप का प्रोसेस होगा, बस नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देना है आपको कौन सा लेटर नाम रखना है आपका इस ड्राइव का। तो मैं डी रखूँगा, नहीं तो डी का ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं ई रख लेता हूँ। ओके, ई ड्राइव, ओके। और यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर से नेक्स्ट करने के बाद ये सारी चीज़ों का आपको नहीं छोड़ना है, NTFS डिफ़ॉल्ट न्यू वैल्यूम नाम देना है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन है, इसका पूरा प्रॉपर्टीज बता रहा है, तो एक बार हम फिनिश कर देंगे। देखिए, प्रोसेसिंग हो रहा है, फॉर्मेटिंग हो रहा है
और उसके बाद हमारा डिस्क रेडी हो जाएगा। चलिए तो ये देखिए कि हमारा डिस्क ई 500 GB का एकदम रेडी है। अभी मैं आपको अगर माय कंप्यूटर में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 1 से 2 हो चुका है और यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे आप अपना कोई भी फाइल वगैरह को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप से इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए कि हमारा ड्राइव में पेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग बिल्कुल ठीक तरीका से नए कंप्यूटर में नए लैपटॉप में ड्राइव को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।